खतौली में आज जयंत और चंद्रशेखर मदन भैया के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। जयंत खतौली में रोड शो करेंगे। वो दिन में छह नुक्कड़ सभाएं करेंगे। दोपहर 3 बजे वो रोड शो करेंगे। इसके साथ आज खतौली में आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर भी कमान संभालेंगे। 9 जनसभाएं उनकी लगी हुई हैं। बीजेपी बूथ प्लान को और मजबूत करेगी। खतौली के 6 मंडल में 7 मंत्री चुनाव की रणनीति तैयार करे हुए हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में हर बूथ को मजबूत करने पर बीजेपी का फोकस है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव की शिकायत के बाद मैनपुरी और इटावा के एसएसपी से कई सवाल पूछे हैं। आयोग ने मैनपुरी और इटावा के एसएसपी को आदेश दिया है। मतदाताओं पर खास पार्टी को वोट देने का दबाव डालने के आरोपी 6 सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। आयोग ने एसएसपी मैनपुरी और इटावा से उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर जवाब तलब भी किया है। चुनाव आयोग ने एसएसपी से कहा, निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बावजूद नियमों की इस तरीके की अनदेखी और लापरवाही बरतने के आरोप में उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन वाले प्रावधान के तहत कार्रवाई आखिरकार क्यों ना हो। तो देखिए, एक लंबा वक्त रहा जहां पर लगातार आरोप लगाने के बाद कि मतदाताओं को प्रभावित किया जाता रहा है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल गलत तरीके से होता रहा है, ये आरोप लगाने के बाद एक नोटिस भेजा था चुनाव आयोग ने कि सबूतों के साथ आइए और बताइए कि कैसे आपको लगता है कि मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ हुई है या फिर ड्यूटी के दौरान सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसी के मद्देनजर अब चुनाव आयोग का आदेश एसएसपी से कड़े सवाल पूछे गए हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, 6 सब इंस्पेक्टर हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए। गुंडा के जिला महिला अस्पताल से डिलीवरी के लिए आई महिला की 2.5 साल की बच्ची संदिग्ध परिस्थिति में गायब होने से हड़कंप मच गया। महिला को वार्ड में शिफ्ट किया गया, उस दौरान उसकी 2.5 साल की बच्ची गायब हो गई। जहां एक तरफ पुलिस सीसीटीवी की मदद से गायब बच्ची को ढूंढने की कोशिश का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ जिला महिला अस्पताल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे लगभग 1 महीने से खराब चल रहे हैं। और देखिए, यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज 27 जिलों के आरक्षण लिस्ट को जारी किया जा सकता है। इससे पहले 48 जिलों के वार्ड के आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। लखनऊ में मेयर को लेकर के आरक्षण पर फैसला नहीं हुआ है। जिन जनपदों में निकाय के लिए वार्ड का आरक्षण जारी हुआ है उसमें शाहजहांपुर, अमरोहा, अमेठी, अयोध्या, अलीगढ़, उन्नाव, एटा, औरैया सहित 48 जिले शामिल हैं। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर के अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 48 जिलों के लिए आरक्षण की सूची जारी हो गई है। हफ्ते भर का वक्त है इस पे आपत्ति दर्ज कराने के लिए, और जल्द ही माना जा रहा है कि आज दूसरी सूची भी आ सकती है, जहां 48 जिलों में वार्ड आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपत्तियों के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और बहुत ही जल्द बाकी की सूची भी जारी कर दी जाएगी। 75 जिलों में 48 जिलों के लिए वार्ड आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। लखनऊ के 110 वार्ड में भी आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। बाकी बचे जिलों के लिए भी माना जा रहा है कि जल्द ही ये लिस्ट आ सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।